क्वेश्चन इज प्रूव दैट फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है ना, इजी क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल कोई सा भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अगर हम इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो दिस आर द मिड पॉइंट्स डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। तो ये जो फिगर आपकी जो ऑब्टेंड होगी वो एक पैरेललोग्राम होगी। हाँ जी, कैसे करेंगे प्रूफ? रेज योर हैंड। हाँ जी मानसवीर सर, पहले एसी को ज्वाइन कर देंगे। एसी को ज्वाइन कर दिया सर, फिर वाई एक्स इज पैरेलल टू एसी एंड इज हाफ ऑफ एसी। ओके, सो डब्ल्यू एक्स स्टेप्स में ज्वाइन एसी एंड देन ही सेइंग डब्ल्यू एक्स इज पैरेलल टू एसी एंड डब्ल्यू एक्स इज एसी बाय टू बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली जेड वाई इज पैरेलल टू ए सी एंड इज हाफ ऑफ ए सी। वेरी गुड, जेड वाई इज पैरेलल टू ए सी, जेड वाई इज हाफ ऑफ ए सी। Now this we are naming it one, this we are naming it as two. So we'll say from one and two as one pair of opposite side is parallel and equal. Therefore, WXYZ is a क्लियर है सबको? ठीक है, प्रेजेंटेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के बेटा 5-6 क्वेश्चंस हैं, तो पहले आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। सर, हमें दोनों साइड्स तो पैरेलल नहीं करने की जरूरत ना प्रूफ? वैसे भी कर सकते हैं प्रो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिर यहाँ पर जो है इसको सिर्फ इतना रखें डब्ल्यू एक्स पैरेलल टू ए सी, ठीक है, फिर सिमिलरली जेड वाई इज पैरेलल टू ए सी, ठीक है, एंड यू विल से दस डब्ल्यू एक्स इज पैरेलल टू, डब्ल्यू एक्स इज पैरेलल टू जेड वाई। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन करते हैं बी डी, बी डी को ज्वाइन करेंगे तो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये आपस में पैरेलल है, तो यू विल से एज अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल देयरफॉर इट्स अ पैरेललोग्राम। बट हाँ, आप अगर क्वेश्चन आपका ये है कि सर वो पैरेललोग्राम की ओरिजिनल डेफिनेशन के हिसाब से प्रूव करने की जरूरत तो नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो हमने बिल्कुल शुरू में चैप्टर के स्टार्टिंग में 6-7 प्रूफ किए थे पैरेललोग्राम से रिलेटेड, वो सारे जो है वो थियोरम्स हैं जो अब यूज हो सकती हैं। ठीक है, कोई भी एक आप चीज यूज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ प्रूव कर दिया कि जो आपके डायगोनल्स हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर, एंड ऑफ स्टोरी, इट्स अ पैरेललोग्राम। ठीक है डा? यस सर। आगे बढ़े। ठीक है, इसी क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन वन है इसी क्वेश्चन में आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है,
that is ABCD is quadrilateral and AB is equals to CD. Prove WXYZ is rhombus. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? अब ये हमारे पास ए बी आ गया और ये सी डी ले लेते हैं. ठीक है, इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया है. सो दिस इज ए बी सी ए बी इक्वल्स टू बोला ना, दिस इज ए बी सी डी. मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं, दीज आर द मिड पॉइंट्स. आपको प्रूव करना है डब्ल्यू एक्स वाई जी भी वो एक रॉम्बस है. ठीक है, गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी. क्वेश्चन क्लियर है सबको? Raise your hand if you have decoded same. अच्छा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो गलत कॉपी हो गया है. ठीक है, क्वेश्चन इज डायगोनल्स आर इक्वल ए सी इज इक्वल टू बी डी. This is A, B, C, D. ठीक है, कैसे करेंगे? बहुत इजी है. मानसवीर बोलो, दक्ष आप बोलो बेटा. सर डायगोनल्स इक्वल है तो वो साइड भी इक्वल होंगे. जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हाफ किया था तो डायगोनल्स इस बार दोनों इक्वल है. हाँ, तो सर वो रॉम्बस ही प्रूव हो जाएगा. वेरी गुड. ठीक है, दक्ष कह रहा है कि सर डब्ल्यू एक्स जो है वो हाफ ऑफ बी डी होगा विच इज इक्वल टू जेड वाई. ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम एंड योर जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी is equals to x y. ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम ये देख ले, सबको यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये जो लेंथ है ये इसका हाफ है और इसके इक्वल हो गई. ठीक है, ऐसी जो आपकी ये लेंथ हो गई आपकी. ठीक है डॉ, अब यहाँ पर ये से as diagonals are equal AC equals to BD. Therefore, WX equals to ZY is equals to ZW is equals to XY. क्या rhombus के लिए ये condition sufficient है? All sides are equal. Then quadrilateral is a rhombus. बोलें या कुछ और proof करना पड़ेगा? Anyone? So diagonals by secret 90 degree. वो अपने आप में एक sufficient condition है, समझे इस चीज को. Parallelogram भी तो proof करें. Yes. देखो जो parallelogram होता है, parallelogram में ये condition क्या sufficient है parallelogram के लिए, बताएं मुझे. Yes. Yes sir. Sufficient है ना ये condition? Yes.
दिस इज सफिशियंट. अगर अपोजिट साइड इक्वल गिवन है इट हैज टू बी अ पैरेललोग्राम. ओनली दिस मच कंडीशन इज सफिशियंट फॉर इट टू बी अ पैरेललोग्राम. ठीक है, अगर मैं साथ में ये कर देता हूँ इसका मतलब हुआ दिस इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड इक्वल. पैरेललोग्राम विद ऑल साइड इक्वल इज अ रोम्बस. सो दिस कंडीशन इज सफिशियंट. अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड इक्वल इज अ रोम्बस. ओके and then अगर आप रॉम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं रॉम्बस मिड पॉइंट्स तो कौन सी फिगर आती है आपके पास? रेक्टेंगल. रेक्टेंगल ठीक है, ये सारे प्रूविंग क्वेश्चन बनते हैं अगर आप रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे. प्रूव दैट इफ यू ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ अ रेक्टेंगल यू विल ऑलवेज गेट अ. एनीवन? स्क्वायर. नो. रोम्बस. रोम्बस. अगर स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे देन यू विल ऑलवेज गेट अ स्क्वायर. पैरेललोग्राम के अगर आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं रोम्बस. एक सेकेंड दे रहा है. अगर पैरेललोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं देख लेते हैं एक बार. ये हमारे पास पैरेललोग्राम है. ठीक है, दीज आर द मिड पॉइंट्स. 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 ठीक है, रोम्बस में तो सारी साइड इक्वल होती हैं. ठीक है, तो ये दोनों तो आपका ब्लैक वाली लाइन का हाफ है और दूसरा ये जो ग्रीन लाइन है. ठीक है, ये येलो लाइन है, ये ग्रीन लाइन का हाफ है. तो ये रोम्बस तो नहीं है. ठीक है, तो पैरेललोग्राम के अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो यू गेट अ पैरेललोग्राम. तो यहाँ पर ये सारे आ जाते हैं आपके पैरेललोग्राम. इन जनरल कोई भी क्वाड्रिलेटरल चाहे वो ट्रेपीजियम हो या फिर काइट हो. ठीक है, जॉइंट मिड पॉइंट ही कहता पैरेललोग्राम. इनमें से कोई एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं. यहाँ पर आई एम टेकिंग स्क्वायर. अगर आप स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो प्रूव करना है आपको यू गेट अ स्क्वायर. कैसे प्रूव करेंगे?
डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। थॉमस तो आप प्रूफ कर ही सकते हैं अगर हम एसी को ज्वाइन कर दें, बीडी को ज्वाइन कर दें, ठीक है। सो यू विल से डब्ल्यू एक्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी इज इक्वल्स टू जेड वाई, एंड सेम वे जेड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीडी इज इक्वल्स टू एक्स वाई। As A B C D is a square, therefore square कैसे हो गया? हाँ जी, square कैसे बन गया वो? Question ही है, question में बता देता हूँ आपको। अच्छा sorry, A B C D sir नहीं, वो छोटा वाला figure था। Okay, फिर भी लिख लेते हैं question. Question is prove that the quadrilateral formed by joining midpoints of sides of a square is also a square. ठीक है ना? क्योंकि ए बी सी डी स्क्वायर है तो डायगोनल्स इक्वल होंगे, सो देयरफॉर ए सी इक्वल्स टू बी डी। अगर ए सी और बी डी इक्वल है तो वी कैन से दैट डब्ल्यू एक्स इज इक्वल्स टू जेड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जेड वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई, ऑल साइड आर इक्वल। तो ये तो रॉम्बस हुआ। अब कौन सा रॉम्बस जो है वो आपका स्क्वायर कहलाता है? व्हिच रॉम्बस दोबारा बोले, जिसमें एक एंगल को भी 90 डिग्री, कोई एक एंगल 90 डिग्री हो, वेरी गुड। या फिर सर डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हो। डायगोनल्स परपेंडिकुलर तो होते ही नहीं है रॉम्बस में, ठीक है। और बाइसेक्टर नहीं होते, बाइसेक्टर भी होते हैं रॉम्बस। इक्वल रोम्बस में डायगोनल्स परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। बाइसेक्ट तो पैरेललोग्राम में भी करते हैं। अब रोम्बस तो स्पेशल पैरेललोग्राम है, तो रोम्बस में बाइसेक्ट के अलावा जो है वो परपेंडिकुलर भी होंगे, ठीक है। फिर स्क्वायर और ज्यादा स्पेशल है, उसमें जो है डायगोनल्स इक्वल भी होंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है इफ यू ज्वाइन दिस values, ठीक है, तो यहाँ पर you can say that जो diagonals हैं they are equal in length, है ना? ये diagonals equal in length भी होंगे and thus it will be a square। तो हम लोग directly chart angle जो congruent proof करके ऐसे कह नहीं सकते थे कि ये सारी sides equal होगी, फिर भी join करने से हमारा diagonals हुआ थे equal। दोबारा बोलो क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हम लोग जो चार ट्रायंगल्स हैं जैसे जेड वाई डी वाई एक्स सी, इन सबको हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते। ओके, फिर उसके बाद फिर उसके ऐसे चारों साइड इक्वल आ जाती और फिर ये जो हमने वो बनाई डायगोनल्स वो तो इक्वल होती। जो बाहर वाले चार ट्रायंगल्स उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते, ये कह रहा हूँ। इन चारों को हाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, फिर आगे तो जो साइड्स है वो इक्वल हो जाएंगी। साइड्स इक्वल हो गई, ठीक है, तो रोम्बस हो गया आगे। हाँ, उसके बाद फिर सर डायगोनल तो इक्वल है ही। हाँ ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। भाई चारों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि आपका जो है साइड भी इक्वल है, हाफ ऑफ द साइड्स है ना, ये साइड्स भी इक्वल है और ये 90 डिग्री है। ऐसे ऐसे ये चारों ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सर वाई डब्ल्यू और जेड एक्स इक्वल कैसे सर? डायगोनल इक्वल कैसे? ओके, पहले तो एक तो डायगोनल इक्वल कीजिएगा, आप एंगल भी प्रूव कर सकते हैं। एंगल प्रूफ कैसे करेंगे? आप यहाँ पर लेंगे कि भाई ये जो ट्राइंगल है इसमें दो साइड्स हैं, ये इक्वल है। अगर दो साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल 90 है तो ये एंगल कितना हुआ?
45. सिमिलरली ये वाला एंगल जो है 45 है ना, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री. तो रोम्बस विद वन एंगल सर 90 डिग्री. हम ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं ना कि जो चार पैरेललोग्राम बन रहे हैं हम उसको प्रूफ कर दें, क्योंकि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होंगे तो हम फिर उसको ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते तो 90 डिग्री हो जाएगा. नहीं समझ में नहीं आया कौन सा बोल रहे हैं आप पैरेललोग्राम. सर जो एक्स वाई जेड है उसमें तो चार पार्ट में डिवाइड हो रहा है वो डायगनल से, तो सर उसको नहीं सर वो जस्ट जो पैरेललोग्राम से डिवाइड हो रहा है चार पैरेललोग्राम से जो डिवाइड हो रहा है. हाँ तो सर वो हम प्रूफ वो एंगल डी और जो सर आप बीच वाले पॉइंट को अगर ओ नाम दे दे तो डी ओ सी जो है 90 डिग्री होगा तो हम उसको हम ऑपोजिट 90 होगा. हाँ तो उसको ऑपोजिट को हम 90 डिग्री कह सकते हैं. तो फिर नहीं सर इसका तो पैरेललोग्राम हो गया तो वो ये पैरेललोग्राम ये हमने कहां प्रूव किया कि ये पैरेललोग्राम बन रहा है सर. बट कर सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से. ठीक है सो दिस इज पैरेलल मिड पॉइंट थ्योरम से और ये पैरेलल है. ठीक है ही सेइंग डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तो ये 90 है एंड दस दिस एंगल इज 90 ना यही कह रहे हैं आप. यस सर वेरी गुड इंटेंसिव. ठीक है बेसिकली एक एंगल हमने 90 डिग्री ले लिया और उस एंगल से जो है प्रूविंग कि रोम्बस विद वन एंगल 90 डिग्री इज स्क्वायर. लेकिन हमने सब मतलब वो साइड्स के इक्वल प्रूफ करा है कि हम लोग डायरेक्टली कह रहे थे कि डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इक्वल है तो वो हमारा आ जाता. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेटा स्क्वायर के दोनों के डायगोनल्स अलग अलग हैं यार. ये डायगोनल छोड़ना है समझ लो. हाँ वो ग्रीन वाली सर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वल है. इनको कैसे प्रूव करोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इक्वल है. वो हम लोग वो ट्रायंगल. अच्छा आगे बढ़े. ओके ये जो आज क्वेश्चंस ले रहे हैं हम ये एनसीईआरटी एग्जांपल्स के क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एबी इज पैरेलल टू सीडी एंड एडी इज इक्वल टू बीसी. ठीक है जी तरीके से आपका जो है ये बोल रहा है क्या बोल रहा है भाई कौन सी फिगर बनेगी ये बताएं. एक क्वाड्रिलेटरल. हाँ जी इंपेसिव. ठीक दिस इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. इसका हमने क्वेश्चन किया था क्या प्रूव किया था उसमें हमने क्या प्रूव किया था एनीवन in isosceles trapezium prove that nahi yaad sir opposite angles are equal humne prove kiya tha ac equals to bd diagonals are equal in length uske liye humne prove kiya tha opposite angles are equal. theek hai opposite angles ko equal kaise prove kiya tha bataye usko parallelogram complete karke parallelogram banakar hai na. हमने किया था कि यहाँ से आप जो है एक लाइन ड्रॉ करें जो ईडी के पैरेलल हो और ये तो पैरेलल थी हमारे पास
फिर इसको आप एक्सटेंड कर दें, ठीक है। गिवन हमें क्या है, ये तो कंस्ट्रक्शन से है कि ये दोनों इक्वल है, बट गिवन है कि ए डी जो है वो किसके इक्वल है, ए डी इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी, तो ये भी इक्वल हो गई, ठीक है। अगर ये एंगल एक्स है तो ये पूरा जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है दिस इज अ पैरेललोग्राम, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो जो अपोजिट एंगल है ये एंगल भी एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसीलिए ये वाला एंगल भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये लाइंस जो है ये आपस में पैरेलल है, दीज आर पैरेलल लाइंस एंड दीज एंगल फॉर्म्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दस दिस एंगल विल बी एक्स, ये एंगल आपका 180 माइनस एक्स, ठीक है, लाइंस पैरेलल है तो अगर ये एक्स है तो को इंटीरियर एंगल दिस इज 180 माइनस एक्स। याद आया कुछ कुछ? यस सर, यस सर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सो आई हैव टेकन इट अगेन, क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जांपलर में जो गिवन है दैट इज टू प्रूव दिस एंगल्स आर इक्वल, जो एनसीईआरटी में गिवन है यही क्वेश्चन that is to prove that the diagonals are equal. उसके लिए क्या स्टेप लेंगे बताएं? इसी क्वेश्चन में diagonals equal कैसे प्रूव करेंगे? सर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके, इंप्रेसिव, ठीक है। कौन से ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल एसीडी, इसको कॉन्ग्रुएंट किसके करेंगे? विल प्रूव इट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीसीडी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे? ये साइड तो हमें इक्वल गिवन ही है और ये जो है कॉमन है और ये एंगल जो है इक्वल है, तो बाय एससीएस द ट्रायंगल्स विल बी प्रूवन कॉन्ग्रुएंट। सर हम ट्रायंगल एडीबी और बीसीए को भी ले सकते थे ना? एडीबी एंड बीसीए को भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। समझ में आया सभी को? ओके, एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एग्जांपलर का है बट ये आपके कंपटीशन में भी आता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन इज ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैंने मीडियन ड्रॉ की है, मीडियन जो मिडल पॉइंट को ज्वाइन करती है, सो दिस इज इक्वल टू दिस। अब मैंने ए डी का मिडल पॉइंट लिया बेटा, ए डी का मिडल पॉइंट जो है वो ई आ रहा है, ठीक है, एंड आई ज्वाइन बी ई एंड इट्स मीटिंग एट एफ। To prove AF is AC by 3. Check कर लें क्वेश्चन क्लियर है आपको। अगर किसी ने ये क्वेश्चन पहले लाइफ में नहीं किया है तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस सिर्फ 5% है, एंड दैट आल्सो इफ यू स्पेंड हाफ एन आवर ऑन इट, ठीक है। सो आई एम नॉट गिविंग इट टू यू टू ट्राई इट आउट, बट आई विल गिव यू अ हिंट हियर, ठीक है। हिंट इज आई एम ड्रॉइंग दिस लाइन, मैं ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, आप समझ गए तो फिर बताएं। सर वो मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगा इसमें, क्योंकि सर जो ट्रायंगल CBF है उसमें एक साइड क्या कहते हैं, एक साइड मतलब हाफ ऑफ में डिवाइडेड है, PD इक्वल्स टू DC और एक साइड पैरेलल है, तो मिड पॉइंट थ्योरम तो नहीं लगेगी। कौन सी थ्योरम लगेगी? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अनंत कह रहा है कि सर यहां पर अगर येलो वाला ट्रायंगल देखें तो we have drawn a line from midpoint of one side parallel to second side, then it will divide the
थर्ड साइड, ठीक है, इन टू इक्वल पार्ट। सब एग्री कर रहे हैं कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम? यस सर। तो ये जो है ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। अब बताएं कौन सा ट्राइंगल लूं मैं, ठीक है। उस ट्राइंगल में ये देखें, ये मिड पॉइंट आ रहा है ना, ई ई मिड पॉइंट आना चाहिए, और मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन भी ड्रॉ होनी चाहिए टू द थर्ड साइड। कौन सा ट्राइंगल लिया जाए? तो वही कंस्ट्रक्शन लोग सर, एडीएम। एडीएम अगर ट्राइंगल एडीएम ले ले तो ठीक है, क्या हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ई से ड्रॉ कर रहा हूँ, विच इज मिड पॉइंट ऑफ द साइड, एंड इट इज ड्रॉन पैरेलल टू द सेकेंड साइड, देन इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब ये दोनों जो है ये इक्वल होंगे, isn't it? Yes, sir. तो ये भी इक्वल हो गए, ठीक है। पहले जो हमने ट्राइंगल लिया था उसमें ये एक्स आया, ये भी एक्स, सेकेंड ट्राइंगल में ये भी एक्स आ गया, तो ए एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन थ्री। ऐसा कोई थ्योरम नहीं होता मिड पॉइंट थ्योरम जैसा, मतलब अगर उसको एक्सटेंड कर दो तो तीसरी लाइन भी आ जाएगी फिर वो ट्रायंगल को। दो गुना है, फिर अगर उसको और एक्सटेंड कर दो तो तीसरी साइड भी आ जाए जैसे इसमें हुआ है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। ये मिड पॉइंट थ्योरम आ गई, अब बोले क्या कह रहे हैं आप? तो अगर इसको और एक्सटेंड कर दिया, मतलब एक और लाइन और एक्सटेंड कर दिया, हाँ आगे नहीं नीचे, जैसे जैसे बीच में दो दो पैरेलल लाइन आ जाए, जैसे बीच में दो पैरेलल लाइन आ गई, हाँ सर। अब इसमें तीन लाइन आ गई ना, तो ये ऐसे कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जिससे तीन तीन हो जाए पॉइंट, मतलब तीनों लाइन का रिलेशन आ जाए। क्या कहना चाह रहे हैं हम? मतलब ये कह रहा था कि उसको और एक्सटेंड कर देंगे तो तीसरी फिर लाइन आ जाएगी पैरेलल। मतलब जो सर उसकी दो लाइंस हैं जो, हाँ सर, जैसे ए बी, जो वो ए बी और ए सी, उसको अगर और एक्सटेंड कर दे तो एक और तीसरी पैरेलल लाइन आ जाएगी, वो हमारा तीसरा मिड पॉइंट हो जाएगा फिर। हाँ तो ऐसी लाइन हो जाए जिससे वो भी मतलब इक्वल हो जाए, तो तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। नहीं आया समझ में, और आप मुझे ना फिगर ड्रॉ करके भेजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? तो फिर इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। हाँ जी बोलो बेटा। सर इसमें ए एफ एक्स कैसे आया? ओके, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है? अगर हमने मिड पॉइंट से लाइन पैरेलल ड्रॉ की है, ठीक है, सेकेंड लाइन के, तो थर्ड लाइन को बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा तो एफ मिड पॉइंट है, तो मतलब जो एफ एम है वो ये एफ होगा। यस सर, ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पहले स्टेप्स लिख लेते हैं हम। स्टेप नंबर वन, ड्रॉ डी एम पैरेलल टू बी एफ। स्टेप नंबर टू, अप्लाई कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्राइंगल एफ बी सी टू गेट एफ एम इक्वल्स टू एम सी। स्टेप नंबर थ्री, अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्राइंगल
ADM to get AF equals to FM. Step number 4, AF equals to FM equals to MC. Therefore, AF is AC upon 3. Yes, ये revision के लिए ना ये steps बहुत important रहते हैं. एग्जाम से पहले आप सारे क्वेश्चन नहीं ट्राई कर सकते, जस्ट क्वेश्चन देखा क्या स्टेप्स होंगे सॉल्व करने के लिए एंड डन. एक आइडिया रहना चाहिए ना. Done, आगे करें. इसको इंचार्ज में आया जाए भी. अनंत लेट अस नो वंस यू हैव कंप्लीट. कंप्लीट. Question ABCD is a trapezium. E in which AB is parallel to CD. E and F are midpoints of AD and BC. Prove that EF is parallel to AD and EF is half of AD plus CD. हमारे पास ये ट्रेपेज़ियम है. This is A, B, C, D. इस ट्रेपेज़ियम में ये मिड पॉइंट्स हैं E एंड F. इनको हमने ज्वाइन कर दिया है. ठीक है, अब आपको प्रूव करना है ई एफ जो है वो ए बी और सी डी के पैरेलल होगा और ई एफ जो है वो मीन होगा ए बी और सी डी का. क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी करें सॉल्व. एनीवन एनी सजेशंस? सर एडी और सीबी को एक्सटेंड करके ट्रायंगल बना. ओके, नहीं सर स्ट्रेट लाइन. फिगर बन गई. ओके
से तो कुछ भी नहीं आ रहा सर, एसी को ज्वाइन कर देंगे, एसी को ज्वाइन कर देते हैं ये लोग। कौन सी थ्योरम लगेगी ये बताओगे सर? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स कैसे लगेगी? ईएफ पैरेलल है कि कौन गिवन है? एडीसी में लगेगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ईएफ अगर आपको प्रूव करना है वो एबी के या सीडी के पैरेलल है तो कन्वर्स तो लगी नहीं सकती ना, लगेगी कौन सी? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम ही तो लगेगी, मानते हैं इस बात को? अब मिड पॉइंट के लिए, मिड पॉइंट के लिए ध्यान से सुनना, ई और एफ जो है उस ट्राइंगल का मिड पॉइंट होना चाहिए, मिड पॉइंट थ्योरम के लिए होना चाहिए ना, तभी तो आप कहेंगे मिड पॉइंट थ्योरम से जो है ई एफ इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ऐसे ही बोलेंगे ना। मान लो मैं अगर एक ट्राइंगल बनाऊं, एक साइड तो ये हो गई बेटा जिसमें ई जो है वो मिड पॉइंट है, तो दूसरी साइड क्या होनी चाहिए जिसमें एफ जो है वो मिड पॉइंट हो जाए? बोलो, भाई वो जो लाइन है वो एफ से तो पास होनी चाहिए ना, कुछ ऐसे नहीं आना चाहिए सर? तो हम पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे क्या? हाँ जी सर, हम पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे क्या? नहीं, पैरेललोग्राम नहीं बना रहे हम, एक मिनट हो जाओ। अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दें, ठीक है, अब यहाँ पर चले, मैंने ए एफ को ज्वाइन करके एक्सटेंड किया है एंड दिस इज गोइंग टू एम, ठीक है। मेरा मेन पर्पस क्या है, पहले पर्पस सुन लें, मैं पहले तो मुझे ये प्रूव करना है कि ई एफ जो है वो पैरेलल है। ई एफ मैं पैरेलल का भी यूज कर सकता हूँ, प्रूव कर सकता हूँ जब मैं मिड पॉइंट थ्योरम की बात करूँ, तो मिड पॉइंट थ्योरम में मुझे ये दोनों साइड तो मुझे पता चल गई, ये तो इक्वल है, ये तो गिवन ही था। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये जो साइड है ये भी इक्वल है, अगर मैं इसको प्रूफ कर दूं तो बात बन जाएगी। अब ये साइड इक्वल कैसे प्रूफ होंगी, समझ रहे हैं? इन द एंड आई वांट टू प्ले विद दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में मैं बोलूंगा कि ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट है, तो इसीलिए जो है बाई मिड पॉइंट थ्योरम ई एफ इज पैरेलल टू डी एम और डी सी। पहले पर्पस समझ में आ रहा है आपको? यस सर। सर तो हम बीएम को ज्वाइन करके पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर देंगे और फिर डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं। यहां डायगोनल्स कहां बन रहे हैं पहली बात, और बीएम को ज्वाइन किया तो वो पैरेललोग्राम बनेगा, ये कैसे पता आपको? पैरेललोग्राम में अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, एक ही साइड पैरेलल भी होना है। अभी पहले पर्पस समझिए, पर्पस समझ में आ रहा है? अगर मुझे ई एफ को पैरेलल प्रूव करना था डी सी के, तो मुझे पता है मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो बोलती है कि अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो वो पैरेलल हो जाता है, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए ई जो है वो मिड पॉइंट है, ये तो गिवन ही था मुझे क्वेश्चन में। अगर एफ मिड पॉइंट मुझे प्रूव करना पड़ा,
कि एफ जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए एम का, तो उसके लिए मैं ट्राइंगल वन और ट्राइंगल टू को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो बात बन जाएगी मेरी। ये कॉन्ग्रुएंट कैसे है, ये जो एंगल है ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये साइड तो हमें गिवन ही थी इक्वल है, तो ट्राइंगल वन और टू क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ट्राइंगल वन और टू कॉन्ग्रुएंट है तो सीपी सीपी से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। हाँ जी पीछे करूँ शुरू, सर हमें ये दे रखा है कि AF is parallel to MF, equal to, sorry. AF equals to MF, ये तो मैं प्रूव कर रहा हूँ by proving triangle 1 and 2 are congruent. ठीक है ना, नहीं आया समझ में, फिर से शुरू करते हैं। थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, एक दो तीन, ठीक है जी। ये हमें गिवन है, हमने जो किया है हमने इसको ज्वाइन किया है मिड पॉइंट को, यहां तक फिगर क्लियर है सबको, है ना। नाउ दिस इज योर ए बी सी एंड डी। मुझे जो एक बात जो पता है वो ये कि अगर मैंने ऐसा कोई ट्राइंगल बनाया जिसमें ये ई और एफ जो है ये मिड पॉइंट्स हैं, तो मुझे ये बहुत इजी हो जाएगा प्रूव करना कि ये जो ई एफ है दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन, हो जाएगा ना इजी प्रूव करना। भाई एक्नॉलेज करते रहे साथ में क्लास। यस सर। तो अब मुझे ये एक ट्राइंगल चाहिए जहां पर ये और एक एफ जो है वो मिड पॉइंट हो, ठीक है। ई जो है वो तो मिड पॉइंट है इसका, ठीक है। तो उस ट्राइंगल का एक वर्टेक्स तो हो गया ए और एक वर्टेक्स हो गया डी। एफ बी जो है वो मिड पॉइंट हो, तो एफ मिड पॉइंट होगा तो आपको ई एफ को ज्वाइन करते हुए कोई लाइन बनानी पड़ेगी, तभी तो वो वर्टेक्स आएगा ट्राइंगल का, isn't it? तो मैं कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन में आई एम सेइंग जॉइन ए एफ, फिर उसको ज्वाइन करके आप एक्सटेंड भी कर रहे हैं, ठीक है ना। आप ज्वाइन कर रहे हैं और एक्सटेंड कर रहे हैं टू मीट सी डी एट पॉइंट एम, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये साइड इसके इक्वल है तो ये जो हमारा ट्राइंगल है इस ट्राइंगल में मैं मिड पॉइंट लगा सकता हूं ना, फिर मैं बोल दूंगा कि भाई ई एफ जो है वो बी सी डी सी के पैरेलल है। क्लास एग्री कर रहे हैं? यस सर। और इनको इक्वल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ट्राइंगल वन और टू को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूं। ये कहानी है पूरी, समझ में आया? यस सर। तो यहां पर हमारा जो पहला स्टेप होगा दैट विल बी जॉइन ए एफ एक्सटेंड ए एफ एंड डी सी टू मीट एट एम,
ठीक है, जो ग्रीन वाली लाइन है वो हमारा कंस्ट्रक्शन है। सेकेंड स्टेप में आप प्रूव करेंगे ट्राइंगल वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल टू, प्रूव कर लेंगे ना बाय AES। कैसे प्रूव होगा, ये तो हमें गिवन नहीं है, ये साइड इक्वल है, फिर ये एंगल हमारे जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। थर्ड स्टेप में यू विल से AF इज इक्वल्स टू FM बाय CPCT। फोर्थ स्टेप में यू विल से दैट इन ट्राइंगल DAM EF इज पैरेलल टू DM बाय मिडपॉइंट थ्योरम। फिफ्थ स्टेप EF इज हाफ ऑफ DN व्हिच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ DC plus CN which is equals to half of DC plus AC। बस यही तो प्रूफ करना था हमें। सर CM is equal to AB कैसे हुआ? बाई CPCT ट्राइंगल कॉम्बोनेंट प्रूफ किए थे ना आपने, तो यहीं पर आप फिर लिख दें एंड CM इज इक्वल टू AB बाई CPCT, इसको वन नाम दे दें और यहाँ लिख दें फ्रॉम वन। अब ठीक है? Yes, sir। सर EF को AB से पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे? EF को AB से पैरेलल? यस सर। तो बेटा EF CD के पैरेलल है और CD AB के पैरेलल है, इसलिए EF AB के पैरेलल है। यस। ठीक है जी, अब पहले मुझे आप ये बताएं आप लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में कंफर्टेबल हैं या नहीं। इफ यू वांट मी टू टेक मोर क्वेश्चंस तो फिर मैं वेडनेसडे की क्लास में भी आई टेक क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चंस, और वेडनेसडे अदरवाइज फुल हम वर्क फॉर एन एनर्जी भी कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपको, यू वांट मोर क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, रेज योर हैंड इफ यू वांट वेडनेसडे टू बी मैथ्स प्लस साइंस। ठीक है, अदरवाइज आई अंडरस्टैंड प्रूविंग के क्वेश्चंस जो है वो बहुत एनर्जेटिक या फिर इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट आप अपनी तरफ से क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करें, स्पेशली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से जरूर करें, और कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो दैट डाउट्स आई विल टेक ऑन वेडनेसडे। ठीक है, विल स्टार्ट विद डाउट्स फर्स्ट एंड देन विल प्रोसीड। ओके जी, चलें हम 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं एंड देन वी स्टार्ट विद वर्क एनर्जी एंड पावर।